एडिट फोटो एनहेंस। फोटो को एनहेंस या कलर करेक्शन देने के लिए फोटो को सिलेक्ट करके एडिट फोटो टैब में से एनहेंस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। बेसिक फिल्टर्स में BCG ऑप्शन चुनें। यहाँ से आप फोटोज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा एडजस्ट कर सकते हैं। फेदर और ब्रश साइजेस यहाँ से एडजस्ट कीजिए। करेक्शन मोड एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए। अब अपनी ज़रूरत के अनुसार करेक्शन कीजिए। करेक्शन को रिसेट करने के लिए शिफ्ट की प्रेस कीजिए। रिसेट ऑल बटन से चेंजेस को रिसेट कर सकते हैं। RGB ऑप्शन से फोटोज की रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज एडजस्ट कीजिए। रिसेट ऑल बटन से चेंजेस को रिसेट कर सकते हैं। कर्व ऑप्शन की मदद से आप फोटो को बहुत ही आसानी से एनहेंस और कलर करेक्ट कर सकते हैं। लोड ओरिजिनल ऑप्शन की सहायता से आप ओरिजिनल फोटो को लोड कर सकते हैं। लेवल ऑप्शन से आप फोटो को टोनल रेंज और कलर बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लर इफेक्ट की सहायता से फोटो को ब्लर कर सकते हैं। फोटो को कलराइज करने के लिए कलर पिकर की सहायता से पूरे स्क्रीन से कोई भी कलर चुन सकते हैं और उस फोटो पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपेसिटी और लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। फेदर ऑप्शन से फोटो को फेदर इफेक्ट दीजिए। चेंजेस को रिसेट करने के लिए रिसेट बटन का उपयोग करें। ओपेसिटी ऑप्शन से फोटो पे ओपेसिटी अप्लाई कीजिए। क्रॉप ऑप्शन से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। अपने फोटो की ओरिएंटेशन के मुताबिक लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एस्पेक्ट रेशियो टैब से रेशियो सिलेक्ट कीजिए। फ्री हैंड क्रॉपिंग करने के लिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो के चेक बॉक्स को अनचेक कीजिए और इस तरह से क्रॉपिंग कीजिए। यहाँ से विड्थ और हाइट डिफाइन कीजिए। फोटो की एक्चुअल DPI यहाँ दिखाई देगी। यूनिट्स यहाँ से तय कीजिए। फोटो को रोटेट करने के लिए रोटेट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फोटो की एंगल यहाँ से एडजस्ट कीजिए। ग्रिड लाइंस आपको फोटो रोटेट करने के लिए गाइड करेगी। ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए शो ग्रिड के चेक बॉक्स को अनचेक कीजिए। अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक फिल्टर्स यूज करने के लिए आर्टिस्टिक फिल्टर में जाइए। एल्बम एक्सप्रेस में आपको मोजैक, रिपल, शिफ्ट, स्प्लैश, इम्प्लोड, स्रिल, इल्यूशन, 3D ग्रिड, सॉफ्ट लेंस, ऑयल पेंट, सीपिया और चारकोल, ये आर्टिस्टिक फिल्टर्स दिए गए हैं। फोटो को सीपिया इफेक्ट देने के लिए इस चेकबॉक्स को चेक कीजिए और आफ्टर बटन पे जाके किए गए चेंजेस को देखिए। लोड ओरिजिनल ऑप्शन की सहायता से ओरिजिनल इमेज को लोड कीजिए। फोटोशॉप में बनाए गए थर्ड पार्टी प्लगइन्स को एल्बम एक्सप्रेस सपोर्ट करता है। थर्ड पार्टी प्लगइन्स को एल्बम एक्सप्रेस में इम्पोर्ट करने के लिए एडवांस फिल्टर्स में जाइए और इम्पोर्ट प्लगइन्स ऑप्शन को चुनिए। यहाँ से आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इम्पोर्ट कर सकते हो। सारे चेंजेस करने के बाद अगर आप ओरिजिनल फोटो को इस फोटो से बदलना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करें। अन्यथा फोटो की नई कॉपी तैयार करने के लिए सेव एस पर क्लिक करें। फाइल को नाम दीजिए और ओके बटन पर क्लिक करें। लासो। फोटो का लासो कटिंग अप्लाई करने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब से लासो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। लासो कटिंग करने के लिए इस तरह से पाथ सिलेक्ट कीजिए। अब अगर आपके द्वारा कोई गलत पाथ चुना गया है तो राइट क्लिक करके पीछे आइए। सिलेक्ट किए हुए पाथ को कोई भी अनवांटेड लेयर हटाने के लिए इनवर्ट लेयर का प्रयोग करिए। चेंजेस को देखने के लिए आफ्टर बटन पर क्लिक करिए। लासो कटिंग को सेव करने के लिए सेव एस बटन पर क्लिक कीजिए। फाइल को नाम दीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। क्रोमा। फोटो को क्रोमा इफेक्ट देने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब में जाकर क्रोमा का ऑप्शन चुनिए। कलर पिकर टूल से इस प्रकार से क्रोमा कलर चुनिए। आपके फोटो का फेदर एवं टॉलरेंस भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आप करेक्शन टूल की ब्रश साइज एवं फेदर यहां से एडजस्ट कर सकते हो। करेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। शिफ्ट की प्रेस करके आप करेक्शंस को रिसेट भी कर सकते हैं। सारे चेंजेस को अप्लाई करने के बाद सेव एस पे क्लिक करें, नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। टचअप।
फोटो को टचअप देने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो टैब से टचअप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप ब्रश साइज तय कर सकते हैं। फोटो की फेदर और ओपेसिटी आप बड़ी ही आसान तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस क्लिक करके क्लोन पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अब फोटो को टचअप दीजिए। करेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। सारे चेंजेस को अप्लाई करने के बाद सेव एज पे क्लिक करें, नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। हाईलाइट, फोटो को हाईलाइट करने के लिए फोटो को सिलेक्ट कीजिए और एडिट फोटो विंडो में जाकर हाइलाइटर का ऑप्शन चुनें। यहाँ आप ब्रश साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फेदर और ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। आप जो एरिया हाईलाइट करना चाहते हैं उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। करेक्शन मोड एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। हाईलाइट किए हुए फोटो को पुराने फोटो से बदलने के लिए सेव ऑप्शन का उपयोग करें और हाईलाइट किए हुए फोटो की नई कॉपी बनाने के लिए सेव एज ऑप्शन का उपयोग करें। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। इरेजर, अगर आप फोटो में से कोई अनचाहा हिस्सा मिटाना चाहते हैं तो फोटो को सिलेक्ट कीजिए। एडिट फोटो टैब से इरेजर ऑप्शन चुनिए। यहाँ से आप ब्रश साइज एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप फेदर और ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। जिस एरिया को आप इरेज करना चाहते हो उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। करेक्शन मोड एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए। लोड ओरिजिनल बटन की सहायता से आप ओरिजिनल इमेज को लोड कर सकते हो। इरेज किए हुए फोटो को पुराने फोटो से बदलने के लिए सेव ऑप्शन का उपयोग करें और इरेज किए हुए फोटो की नई कॉपी बनाने के लिए सेव एज ऑप्शन का उपयोग करें। फाइल को नाम दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए।